कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने की कोशिश, पाकिस्तान में बूस्टर डोज लगाने का फैसला। एनसीओसी ने बूस्टर डोज 3 कैटेगरीज में लगाने की मंजूरी दे दी। हेल्थ वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद पहली तरजीह होंगे। कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। आज से मुल्क में वैक्सीनेशन की खसूसी मुहिम का आगाज। टीम्स अवामी मकामात पर शहरियों को वैक्सीन लगाएंगी। दूसरी डोज यकीनी बनाने के लिए 40 कॉल सेंटर्स कायम। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 414 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.97% रिकॉर्ड। पहले से जेरे इलाज 9 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना के नए वेरिएंट का पेट्रोल की आलमी मंडी पर धावा। खाम तेल की कीमतें मजीद 6% नीचे आ गई। ब्रेंट क्रूड 70.57 डॉलर फी बैरल हो गया। WTI क्रूड 67.05 डॉलर फी बैरल में फरोख्त। एक महीने में क्रूड ऑयल 20 और ब्रेंट ऑयल 16% सस्ता हो चुका है। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने का फायदा पाकिस्तानी आवाम को ना मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल ना किया। 4 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। महंगाई ने हुकूमती तखमीनों को मात दी। फरवरी 2020 के बाद नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नवंबर में 3% इजाफे के बाद महंगाई की सालाना शरह 11% तक पहुंच गई। घी, कुकिंग ऑयल, फ्यूल, सब्जियां, दालें, सब कुछ महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया। वोटिंग का कानून बन गया है, वोट ईवीएम से ही कास्ट होंगे। शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन ने फैसला करना है, वो अदालत जाए या कुछ और करे। आइंदा इलेक्शन तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे। हर इलेक्शन के बाद धांधली का पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट PTI को मिलेंगे तो फिर कहा जाएगा धांधली हुई। यकीनन गवर्नर सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की नयादन में गुफ्तगू कहा बिल आइन कानून और जमहूरियत का मजाक है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। साबका लोगों की तरह भारत को आवाज़ नहीं लगाऊंगा। पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद को भी लाड़काना बनाना चाहती है। PSP सरबरा ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। 2013 का जो बिल है, जो कानून है लोकल गवर्नमेंट का, उसमें फर्दर अमेंडमेंट्स कर दी हैं, फर्दर उसमें तरमीम कर दी गई है। हम तो 2013 के कानून को ही नहीं मानते, जिसमें वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज है, जिसमें वजीर आला पानी की लाइनों का इंचार्ज है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया गया है, जिसमें मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को, जो कि चोर पकड़ने वाला इदारा होता था, चौकीदार, उसको चोर डिपार्टमेंट जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसके अंडर दे दिया गया है। KDA के ST प्लॉट्स पर तामीरात का केस, सिंध हाई कोर्ट ने DG KDA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। ST प्लॉट्स की वजाहत ना करने पर अदालत का KDA वकील पर गुस्से का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लापता सहाफी मुदस्सिर नारो की अदम बाजियाबी का केस, हुकूमत को 13 दिसंबर तक मुतासरा फैमिली को मुतमईन करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, जो भी लापता हो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव की जेब से मुआवजा क्यों ना लें। शीरी मजारी से आइंदा समाज पर जवाब तलब। टंडो अलयार में दिल चीर देने वाला वाकया, लड़की ने पसंद की शादी की, घर वालों को एक आंख ना भाई, जबरदस्ती मियां बीवी में अलहदगी करवाई, फिर शोहर को राखी बनवाई, लड़की सितम सह ना पाई, अपने हाथों से अपनी जान ले ली। पुलिस ने इंक्वायरी रिपोर्ट सेशन कोर्ट में पेश कर दी। प्रेशराइज करके उनको बहन भाई बनवा दिया, पर उन्होंने मजबूर होकर लड़के ने तलाक दे दी उनको, जो भी है उनके हिसाब से, और उसे राखी बनवा दी। जानते बाहर से खुरदुरा अंदर से नरमो शीरी, कराची की सौगात शरीफा, ऐसा नरमो नाजुक फल जो सिर्फ कराची की ही आबो हवा में परवरिश पाता है। शदीद सर्दी बर्दाश्त नहीं, पानी भी कम पीता है। नायाब फल, महंगा भी बहुत है।
مشرقی تہذیب اور مغربی کلچر کا امتزاج لاہور کے الحمرا آرٹ گیلری میں پینٹنگ، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، جویلری، آرٹ، ٹرک آرٹ کی نمائش۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں کو خشک سردی نے لپیٹ میں لے لیا۔ رات کے اوقات میں پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گرنے لگا۔ شدید سردی کے باعث پانی بھی جمنے لگا۔